नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एकेडमिक स्टडी पर। तो दोस्तों चलिए सीधा मुद्दे की बात कर लेते हैं। दोस्तों आज का मुद्दा है, अगर आपको आरआरबी एनटीपीसी या ग्रुप डी कोई भी एग्ज़ाम आपको देना है तो यह वीडियो आपके लिए बेस्ट होने वाला है। इस वीडियो को बिना रुके देखना है, पूरा देखना है। मैं आपको एग्ज़ाम की पूरी टेक्निक बताऊँगा कि आपको एग्ज़ाम कैसे क्लियर करना है। इस वीडियो में मैं आपको एनटीपीसी के एग्ज़ाम की पूरी टेक्निक बताने वाला हूँ। मैं आपके लिए यह वीडियो लेकर आया हूँ ताकि आप लोगों को एग्ज़ाम क्लियर करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, और मैं आपको ये भी बताऊँगा इस लूसेंट बुक का कितना महत्व है, कितना इम्पोर्टेंस है आपको एग्ज़ाम क्लियर करने में। चलते आगे। और दोस्तों लूसेंट बुक यूट्यूब पे पहली बार लूसेंट पढ़ने का सबसे जानदार और शानदार तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। लूसेंट बुक को कैसे पढ़ना है, कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं, चलते आगे देख लेते हैं। दोस्तों इस लूसेंट बुक से कितने सवाल आएंगे, कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, हिट टॉपिक क्या है जो आपके बिल्कुल हिट वाले टॉपिक है, तो दोस्तों इन टॉपिक को लूसेंट जीके की बुक से अच्छे कैसे कवर करेंगे मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा। अगर यह वीडियो आपने पूरी देख ली तो दोस्तों आज का आपको पूरा लूसेंट बुक पे जो भी आपको जीके रहेगा वो आपके बिल्कुल दिमाग में बैठा दूंगा, सारी चीज़ें मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, और ये जो मेरी टेक्निक है 100% आपको हेल्प करेगी, आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली एग्ज़ाम क्लियर करने में। तो दोस्तों आप लोग अच्छे से जानते हो कि यह जो बुक है ये हर स्टूडेंट के पास में होती है, और इस बुक से ही आपको सारे सवाल मिलने वाले हैं, सारे सवाल आपको इसी बुक से मिल जाएंगे। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, लूसेंट बुक की। तो दोस्तों इस बुक को आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ये बुक आपके लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी होने वाली है, तो आपको इसका लाभ उठाना ही चाहिए क्योंकि ये बुक बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है आपके लिए। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जो आपका एनटीपीसी का एग्ज़ाम होगा उसमें आपके जीके और जीएस कितनी आएगी, 40, लगभग 40 सवाल आएंगे, और जो आपका ग्रुप डी का है, ग्रुप डी में आपके लगभग 45 क्वेश्चन आएंगे जीके के, ये भी आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों ये बुक आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और ये बुक पढ़ना आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट साबित होगा अगर आपने मेरी बात मान ली तो। मैं आपको पूरी इम्पोर्टेंस बताऊँगा, आपको वीडियो पूरा देखना है, वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी। जो भी बच्चा नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा तो मैं आपको पूरा टेक्निक बताने वाला हूँ। तो दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे किसकी, हिस्ट्री की बात करेंगे, यानी इतिहास। तो दोस्तों मैं आपको पूरा शॉर्ट में बताऊँगा आपको, ताकि जल्दी से पढ़ सके आप, आपका कोई भी नंबर ना कटे और अच्छे से आप स्कोर कर पाओ। और दोस्तों आपको एक बात बता दूँ, जो एनटीपीसी का पेपर होगा इसमें लगभग 40 सवाल आएंगे, जिसमें से 12 से 15 सवाल आपके जीके जीएस के होंगे, और आपके बाकी बचे हुए 25 सवाल आपके साइंस से आने वाले हैं। किससे आने वाले हैं, साइंस जो सब्जेक्ट है आपका, उससे आपके कम से कम 25 सवाल आने वाले हैं। तो दोस्तों कुछ पोर्शन आपका करंट अफेयर का भी रहेगा, और इसमें आपको कुछ पोर्शन मिलेगा, जैसे आपका हिस्ट्री हो गया, साइंस हो गया, विविध हो गया, ये सब आपको देखने को वहाँ पर मिलेगा। क्या क्या देखने को मिलेगा, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, साइंस या विविध, ये सारे टॉपिक आपको देखने को मिल सकते हैं। मैं आपको पूरा तरीका बताऊँगा, सभी बच्चे वीडियो को पूरा देखेंगे, पूरा प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। पहले हम ले रहे हैं यहाँ पर इतिहास, यानी हिस्ट्री की बात करेंगे, चलते देख लेते हैं पूरा प्रोसेस। पूरे प्रोसेस के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ दोस्तों। तो दोस्तों हिस्ट्री में आपको सबसे पहले क्या पढ़ना है, इंडियन हिस्ट्री यानी भारतीय इतिहास। और तो आपको हिस्ट्री में सबसे पहले क्या पढ़ना है, इंडियन हिस्ट्री। तो सबसे पहले आपको इस बुक का, जब आप एक या दो पेज खोलोगे, जब आप लूसेंट बुक के एक या दो पेज खोलोगे तो आपको क्या दिखेगा, आपको दिखेगा एक विषय सूची। आप जब लूसेंट बुक खोलोगे तो आपकी एक हेडलाइन मिलेगी, विषय सूची, एक या दो पेज खोलने के बाद में।
तो आपका पहले नंबर का जो पॉइंट होगा बुक के अंदर वो आपका होगा इतिहास। क्या होगा? इतिहास आपका पहले नंबर का टॉपिक होगा। उसमें से आपके क्या क्या इंपॉर्टेंट है, गवर्नर जनरल, वायसराय, आपकी ये टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, गवर्नर जनरल, वायसराय, महात्मा गांधी से संबंधित जितने भी आंदोलन है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट बन सकते हैं। आपके यहाँ से 3 से 4 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो दोस्तों अगर आपको हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो आप लूसेंट बुक से ही पढ़ना, मॉडर्न हिस्ट्री का एक बार रिवीजन करके चले जाना, आपको 3 से 4 नंबर आपके कहीं नहीं जाएंगे। मैंने आपको क्या बताया? आपको बताया इंडियन हिस्ट्री के बारे में। अगर आपने इसका रिवीजन कर लिया, 1 से 2 बार रिवीजन कर लिया, यहाँ से आपके 3 से 4 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। जो ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री है, यहाँ से आपके 3 से 4 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। अब बात करेंगे ज्योग्राफी की। तो दोस्तों ध्यान से देखिएगा पूरा वीडियो, ज्योग्राफी के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। ज्योग्राफी में आपको कवर करेंगे इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड की ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड की ज्योग्राफी। तो दोस्तों इंडियन और वर्ल्ड की ज्योग्राफी में आपको क्या करना है, इन दोनों को साथ साथ लेके चलना है। अगर आपने इनके जो हिट टॉपिक है, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अगर आपको इनको अच्छे से आपने पढ़ लिया तो दोस्तों आपके यहाँ से भी आपके 2 से 3 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। 2 से 3 नंबर बिल्कुल आपके यहाँ से पक्के हो जाएंगे अगर आपने इनको ध्यान से पढ़ लिया। चलते आगे देख लेते हैं पूरा। अभी मैं आपको और भी बात बताने वाला हूँ इस वीडियो में, आप ध्यान से देखिएगा बड़े। तो दोस्तों इसमें भी आपको सारे टॉपिक नहीं पढ़ने हैं, सिर्फ आपको हिट टॉपिक की बात करनी है। तो इसको इसलिए भी खासकर, जो ये आपकी लूसेंट बुक है इसको खासकर इसलिए माना जाता है क्योंकि ये सभी स्टूडेंट के पास में होती है। और दोस्तों जो हिट टॉपिक है वो कौन कौन से होंगे ज्योग्राफी में, जो आपके हिट टॉपिक होंगे वो कौन कौन से होंगे ये मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बात कर रहे हैं ज्योग्राफी की, मैं आपकी हिस्ट्री के बारे में आपको बता चुका हूँ, 3 से 4 नंबर आपके यहाँ से पक्के हो जाएंगे, 2 से 3 नंबर आपके यहाँ पक्के हो जाएंगे क्योंकि आपका जो NTPC है उसमें आपके 40 क्वेश्चन मिलेंगे, जो आपका ग्रुप डी है उसमें आपके 45 क्वेश्चन मिलेंगे। किससे? लूसेंट से मिलेंगे आपके, जो आपके लूसेंट बुक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपको ज्योग्राफी के जो हिट टॉपिक है उनके बारे में बताने वाला हूँ। तो दोस्तों आपको याद रखना है, आपको भारत की नदी झरने और वर्ल्ड की नदी झरने और जलधारा जलप्रपात, ये आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेंगे। और आपको फार्मिंग से भी पढ़ना है, कृषि से भी पढ़ना है, किसमें? ज्योग्राफी में। ये चीज़ आपको आपके यहाँ से बिल्कुल 2 से 3 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। और आपको बात बता दूँ, जो ये आपके हिट टॉपिक हैं ये आपके कहाँ से मिलेंगे, ये आपके प्रीवियस ईयर जो भी आपके RRB के या NTPC के पेपर होंगे, प्रीवियस ईयर पेपर से आप ज्योग्राफी के जो हिट टॉपिक है उनको अच्छे से कर सकते हो। ये भी आपको ध्यान में रखना है, यहाँ से आपके 2 से 3 नंबर बिल्कुल कवर हो जाएंगे। और आपको बार बार रिवीजन भी करना है और 1-2 बार आपको रिव्यू भी करना है कि आपको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, आपको रिवीजन सबसे ज़्यादा करना है। अब बात करते हैं पॉलिटी की आपको बात बता देता हूँ। पॉलिटी आपको ऑल पढ़नी है, सारी पढ़नी है। अब सारी में भी ये नहीं है आपको पूरा आपको उसका रट्टा लगा लो, सारी में भी आपको पूरे का रट्टा नहीं लगाना है। ये भी मैं आपको तरीके से बताने वाला हूँ, वीडियो को पूरा देखिएगा आप लोग, ये भी मैं आपको तरीके से बताने वाला हूँ। तो दोस्तों अगर आप पॉलिटी की बात करेंगे तो इसमें आपको अच्छे से लूसेंट में, दोस्तों आपको एक बात बता दूँ, जो पॉलिटी है लूसेंट बुक में इतने अच्छे से दिया गया है शायद ही किसी बुक में दिया हो। आपको पॉलिटी को लूसेंट बुक से ही पढ़ना है, लूसेंट का GK बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों इसमें भी आपको पूरा नहीं पढ़ना है, यानी कि आपको रट्टा नहीं लगाना है। आपके कुछ हिट टॉपिक होते हैं उनको एक बार आपको देख लेना अच्छे से और उनको कवर भी कर लेना है। आपके ज़्यादातर जितने भी टॉपिक है आपके पॉलिटी से उनमें से सवाल आते ही आते हैं, तो आपका इसका रिवीजन कर लोगे, अच्छे से पढ़ लोगे। अगर आपको डेली रात के 9 बजे GK GS देखना है तो हमारा चैनल उसके लिए बेस्ट है।
रात के इस टाइम पे हम डेली टॉप 50 सवाल लेकर आते हैं, तो आप हमारे चैनल से भी जुड़ सकते हैं और वीडियो को देख सकते हैं डेली रात के 9 बजे। तो दोस्तों आपका पॉलिटिक्स आपका कवर हो गया, अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स पे आपको ज़्यादा ध्यान नहीं देना है, बस इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको देख लेने हैं, जैसे पंचवर्षीय योजना, नीति आयोग, और आपका और क्या देखोगे, जितने भी बहुत सारी योजनाएं दी सरकार के द्वारा जितनी भी योजनाएं बताई जाती हैं उनको आप देख सकते हो। और दोस्तों आपका ज़्यादातर वेटेज आपका रहता है हिस्ट्री का, ज्योग्राफी का, पॉलिटी का, तीन चीज़ों का वेटेज ज़्यादा रहता है। इकोनॉमिक्स से आपके ज़्यादा सवाल नहीं आएंगे, मुश्किल से एक सवाल आपका मिलेगा। अब बात करते हैं साइंस की। साइंस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है दोस्तों। अगर हम बात करेंगे साइंस की, तो साइंस में से आपको मैंने बताया है, अगर NTPC की बात करेंगे तो आपको कम से कम 25 क्वेश्चन आपके साइंस से मिलने वाले हैं। किससे? साइंस से। और दोस्तों आपके ग्रुप डी से आपके कम से कम आपके NTPC में तो मिलेंगे आपके 15 सवाल। कितने मिलेंगे? लगभग 15 सवाल। और आपके ग्रुप डी में मिलेंगे कम से कम 25 सवाल। किससे? आपके विज्ञान से, साइंस से 25 सवाल आपको मिलेगी। और साइंस में भी आपको क्या इम्पोर्टेंट है, आपका इम्पोर्टेंट है बायोलॉजी। बायोलॉजी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बायोलॉजी को आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ना है। और साइंस का वेटेज भी बहुत ज़्यादा होता है, और बायोलॉजी सबसे ज़्यादा पूछा जाता है क्योंकि आजकल बायोलॉजी का बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गया है। तो दोस्तों आपकी लूसेंट बुक में 14 टॉपिक दिए गए हैं, किसके? बायोलॉजी के। आपको वहाँ से कवर कर लेना है अच्छे से। और आपके टॉपिक क्या रहेंगे, जो आपको इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेंगे वो रहेंगे ह्यूमन बॉडी, मानव शरीर से आपको पूरा डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि दोस्तों बायोलॉजी लूसेंट से अच्छा कहीं नहीं बताया गया है। आपको ह्यूमन बॉडी से पढ़ना है बायोलॉजी, मानव शरीर, विटामिन पढ़ने हैं आपको, आपकी डिसीज पढ़नी है, बीमारी पढ़नी है, और आपके बहुत सारे जो बायो के इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं उनको आपको यहाँ से कवर कर लेना है, ये आपको याद रखना है। और दोस्तों आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री पे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, फिजिक्स को आप जो आपने पढ़ा है वो आपके लिए बेस्ट है। केमिस्ट्री में आपको केमिकल फॉर्मूले, रासायनिक नाम याद कर लेने हैं, केमिस्ट्री में आपको रासायनिक नाम याद कर लेने हैं। और दोस्तों अगर आपको इस चीज़ पे वीडियो चाहिए कि आपको लूसेंट बुक से आपको हिस्ट्री कैसे पढ़ना है, केमिस्ट्री कैसे पढ़ना है, आपको बायोलॉजी कैसे पढ़ना है, अगर आप चाहते हैं कि इनकी मैं अलग वीडियो बना दूँ, आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा पूरा पॉइंट। अब बात करते हैं विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी। विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी ये सबसे इम्पोर्टेंट है, विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी। दोस्तों बहुत बच्चों को तो ये भी नहीं पता होगा कि विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी कहाँ पर होता है, किसमें? लूसेंट बुक में। किसी को ये भी नहीं पता होगा कि कहाँ पर होता है, मैं आपको बता देता हूँ। जब आप 2 से 3 पेज खोलोगे, सबसे पहले 2-3 पेज आपको 8वें नंबर का पॉइंट मिलेगा, आपको विज्ञान एंड प्रौद्योगिकी 8वें नंबर का पॉइंट है, जिसमें आपको ध्यान देना है किसमें। इसमें आपके सवाल पूछे जाएंगे अंतरिक्ष से, टेक्नोलॉजी से। एक तो आपके पूछे जाएंगे अंतरिक्ष से, टेक्नोलॉजी से, जैसे आपका इसरो हो गया, जैसे आपका नासा हो गया, ये आप जल्दी से सारे पॉइंट को कवर कर लेंगे तो आपके यहाँ से 2 से 3 नंबर बिल्कुल पक्के हो जाएंगे दोनों एग्जाम में, RRB में भी और NTPC में भी। चलते अब बारी है दोस्तों विविध की। किसकी बारी है? विविध की। अब मैं आपको विविध के बारे में भी बता देता हूँ। जब आप लूसेंट बुक खोलोगे दोस्तों, जब आप लूसेंट बुक को खोलोगे तो आपको पॉइंट नंबर 9, जो आपकी विषय सूची है, जो आपकी विषय सूची है, जब आप 1 से 2 पेज खोलोगे आपको 9वें नंबर पे आपको विविध मिल जाएगा, आपको 9वें पॉइंट पे आपको विविध मिलेगा। इसमें आपको टॉपिक क्या क्या पढ़ने हैं, जो आपका गुप्तचर संस्थान है, जो ये आपको पढ़ लेने हैं।
और आपको महत्वपूर्ण राष्ट्रीय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय दिवस, राष्ट्रीय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय दिवस, राजधानी, मुद्रा, ये आपका टॉपिक हिट टॉपिक रहेंगे। और दोस्तों आपको एक बात बता दूं, लुसेंट इतनी इंपॉर्टेंट है, इससे आपका पूरा पेपर बनने वाला है, आरआरबी का और ग्रुप डी का। तो दोस्तों इस वीडियो को, इस बुक को आप मतलब पूरा लाभ उठा सकते हो, कोई भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। अगर आपने मेरी रणनीति मान ली तो आपका कोई भी सवाल आपका गलत नहीं होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ से। मैंने आपको एक एक चीज़ समझा दिया, आपको हिस्ट्री कैसे पढ़ना है, ज्योग्राफी में क्या क्या पढ़ना है, पॉलिटी में क्या क्या पढ़ना है, इकोनॉमिक्स में, बायोलॉजी में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, और मैंने आपको विविध के बारे में बताया और विज्ञान प्रोध की। यह आपका 8वें नंबर के पॉइंट पे है, जो आपका विषय सूची होता है, जो आपके लुसेंट बुक में विषय सूची होता है। और दोस्तों आपको एक बात बता दूं, लुसेंट एक तो जीके आता है, एक आता है लुसेंट साइंस के नाम से आता है। तो आप जब लुसेंट साइंस को खोलोगे तो आपके 8वें नंबर पे आपका क्या मिलेगा, विज्ञान और विज्ञान प्रोध की, और 9वें नंबर पे आपका विविध मिल जाएगा, जिसका टॉपिक मैंने आपको बता दिया, विविध के महत्वपूर्ण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय दिवस, खेलकूद, राजधानी, मुद्रा। तो दोस्तों लुसेंट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके लिए बिल्कुल भगवान है एक तरह से। चलते आगे कुछ और पॉइंट देख लेते हैं। तो दोस्तों आप वीडियो को लाइक करना और कमेंट करके ये बताना आपको वीडियो कैसी लगी। चलते आगे देख लेते हैं। तो दोस्तों आपको लुसेंट को याद करने का टाइम मैंने बताया था, सुबह के टाइम पे आप सुबह के 6 बजे से लेके 8 बजे तक अगर आप इसको पढ़ोगे तो डेफिनेटली आपको ये बिल्कुल याद हो जाएगी, ये मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी। चलते आगे, और मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि मैं नोट्स कैसे बनाता हूँ, लुसेंट बुक के नोट्स कैसे बनाता हूँ। चलते आगे, तो दोस्तों इस प्रकार से आप नोट्स बना सकते हो, जैसे मैंने हिस्ट्री के नोट्स बनाए हुए, केमिस्ट्री के बनाए हुए, इस प्रकार से आप अच्छे से नोट्स बना सकते हो। अगर आपको मेरा तरीका समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसी लगी, और जो भी बच्चा नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा ताकि आपको सारी ट्रिक वाली वीडियो मिल जाए। और रात का जो जीके जीएस होता है, डेली 9 बजे रात के हम जीके जीएस लाइव लेकर आते हैं। चलते आगे, तो दोस्तों आपको नोट्स बनाने का तरीका ये भी हो सकता है, आप छोटे छोटे चिट वाले नोट्स बनाकर अपने रूम में चिपका सकते हो, जैसे मैंने चिपकाए हुए हैं, ये भी तरीका आपका बेस्ट माना जाता है। चलते आगे, और आपका कुछ और बात मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों हमारे चैनल पर, ये आपका हमारा यूट्यूब चैनल का शेड्यूल है, जो आपका एकेडमिक स्टडी चैनल है उसका आपका शेड्यूल है, आपका टाइम टेबल है। मैथ का टाइम 9 बजे, रीजनिंग का टाइम 3 बजे, और आपका डेली जीके जीएस जो हम लुसेंट बुक से पढ़ाते हैं वो होता है रात के डेली 9 बजे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करना और कमेंट करना, आपको बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसी लगी। चलते आगे, पूरा प्रोसेस देख लेते हैं एक बार। तो दोस्तों जो भी बच्चा नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा, बेल आइकन को ऑन कर लेगा, जिससे सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ ज़रूर बताना कमेंट करके। तो दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। अगर आप चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।